हेलो गाइस, मेरा नाम रवि है एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट एमएल। एनाकोंडा प्लेलिस्ट के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोंडा पाइथन वर्चुअल एनवायरनमेंट। इसमें हम देखेंगे कि वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है, हम एनाकोंडा में वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद उस वर्चुअल एनवायरनमेंट में आप अपने अपने काम के अनुसार या जिस पे आप पैकेज को जो इंस्टॉल करना है तो कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब अपने नीड के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट प्रकार के पैकेजेस उस वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है? वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्चुअली इज अ आइसोलेटेड स्पेस या आइसोलेटेड एनवायरनमेंट। जब आप एनाकोंडा इंस्टॉल करते हैं तो एक इन्वायरमेंट बन के आता है जो कि बेस इन्वायरमेंट होता है, जहाँ पे आप अगर आप प्रोजेक्ट पे अपना वर्क करेंगे तो बेस में रहेगा, बट आपको किसी डिफरेंट प्रोजेक्ट पे अगर काम करना है तो आपको अपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। सो अ वर्चुअल इन्वायरमेंट इज अ टूल दैट की हेल्प्स टू कीप डिपेंडेंसीज रिक्वायर्ड बाय डिफरेंट प्रोजेक्ट सेपरेट बाय क्रिएटिंग आइसोलेटेड पाइथन वर्चुअल एनवायरनमेंट्स फॉर देम। वन कैन क्रिएट डिफरेंट वर्चुअल एनवायरनमेंट फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, वन कैन इंस्टॉल पैकेजेस फॉर डिफरेंट वर्जन्स इन दीज एनवायरनमेंट्स, वन कैन डिलीट दोज एनवायरनमेंट्स वंस द वर्क इज ओवर। तो एनाकोंडा जब इंस्टॉल होता है तो उसमें बहुत सारे पैकेजेस ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाती हैं, 200-300 के आसपास पैकेजेस लगभग उसमें आ जाती हैं। बट आपको अगर एक अलग से किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है, यहाँ पे केवल आपको कुछ स्पेसिफिक पैकेज ही काम पे लाने हैं, तो उसके लिए आप अलग से एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, उस पर आप काम कर सकते हैं, फिर जब आपका काम हो जाए तो आप उसको डिलीट भी या रिमूव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप मान लो दो प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, मान लो एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट वन है मान लो, प्रोजेक्ट वन और एक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट ए में आपको चाहिए मान लो पाइथन का 3.5 वर्जन या 3.4 वर्जन, और इसमें आपको यूज करना है पाइथन 3.6 वर्जन, राइट? तो अगर आप बेस पे रहेंगे तो दोनों से एक साथ आप वर्क नहीं कर पाएंगे, बट क्या करेंगे इसके लिए, आप इसके लिए एक अलग से आइसोलेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेंगे, मान लो वर्चुअल एनवायरनमेंट मान लो ए के लिए, और ऐसे इसके लिए भी वर्चुअल एनवायरनमेंट बी के लिए। तो आप इसमें इस एनवायरनमेंट में क्रिएट कर इंस्टॉल कर लेंगे पाइथन 3.5, और इसमें आप इंस्टॉल कर लेंगे, यहाँ पे आप इंस्टॉल कर लेंगे 3.6। उसके बाद मान लो आपको यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल करना है, मान लो यहाँ पे एक्स पैकेज इंस्टॉल करना है, वाई पैकेज इंस्टॉल करना है, जेड पैकेज इंस्टॉल करना है, ऐसे आपको यहाँ पे ए पैकेज इंस्टॉल करना है, बी इंस्टॉल करना है, सी इंस्टॉल करना है। क्योंकि जब आप एनाकोंडा के बेस पे काम करेंगे तो ये सारे पैकेज उसमें रहेंगे, बट आपको कुछ स्पेसिफिक काम करना है, मान लो नम पाई केवल डालना है, साई पाई केवल आप में वर्क करना है, तो आप इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में जो कि आइसोलेटेड एनवायरनमेंट होगा वहां पे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट? तो एनाकोंडा में अब हम कोंडा में वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसके दो मेथड होते हैं। पहला, या तो आप नेविगेटर अगर इसमें जाके आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, कोई कमांड आपको याद करने की जरूरत नहीं है, हमने पिछले वीडियो में एनाकोंडा नेविगेटर से एनवायरनमेंट क्रिएट कैसे करते हैं उसको बताया भी था, एक बार हम फिर से बताएंगे शॉर्टकट में इस वीडियो में। उसके बाद दूसरा मेथड है, आप एनाकोंडा की जो कमांड लाइन है उससे भी आप 2-3 कमांड यूज करके आप कर सकते हैं। ये कमांड है, फॉर एग्जाम्पल आपको क्रिएट करना है तो ये कोंडा क्रिएट नेम
एनवायरनमेंट का आपको नाम देना है और फिर पाइथन का कौन सा वर्जन आपको देना है 3.6 या उसमें, उसके बाद कौन सी पैकेजेज उसमें इंस्टॉल करना है वो भी आप दे सकते हो। तो ये हो गया। दूसरा इसी में क्रिएट करने का ऑप्शन ये है कि जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हो तो कुछ डिफॉल्ट लाइब्रेरीज पहले से ही आ जाती हैं, कुछ डिफॉल्ट मॉड्यूल्स। अगर आपको वो भी नहीं चाहिए तो कर सकते हो आप नो डिफॉल्ट पैकेज करके एक फ्लैग दे सकते हो, तो उस एनवायरनमेंट में जो आप क्रिएट करेंगे माय एनवायरनमेंट उसमें वो डिफॉल्ट मॉड्यूल्स भी नहीं आएंगे। तो क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, एक्टिवेट करना है। उसके बाद एक्टिवेट करने के बाद क्या करना है आपको, अगर आपका काम हो गया उस पर काम करिए, फिर डीएक्टिवेट कर सकते हैं या उसके बाद आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं, राइट? तो हम एनाकोंडा में दो मेथड से वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। पहला हम एनाकोंडा नेविगेटर में जाके कर सकते हैं और दूसरा एनाकोंडा प्रॉम्प्ट में, जो कि कमांड लाइन इंटरफेस है, वहां से भी हम वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में दोनों मेथड से वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना आपको बताएंगे। तो हम पहले आपको एनाकोंडा का नेविगेटर से हम करके बताएंगे। तो हम ओपन करेंगे एनाकोंडा नेविगेटर, यहाँ से जाके ये अभी ओपन होगा। ये एनाकोंडा नेविगेटर अभी ओपन हो रहा है, यहाँ से हम आपको बताएंगे कि आप यहाँ पे जाके वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देखिए कि एनाकोंडा नेविगेटर ओपन हो गया। अभी हम देखिए, अगर आप साइड में देखें तो यहाँ पे एक एनवायरनमेंट का ऑप्शन है, जहाँ पे अगर आप जाएंगे तो देखिए मैंने बहुत सारे एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखे हैं। यहाँ पे जाके आप यहाँ पे देखिए क्रिएट का एक ऑप्शन है, क्रिएट करेंगे अगर आप यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है तो यहाँ पे आप जैसे मान लो माई एनवायरनमेंट करके मान लो हम बना रहे हैं माई एनवायरनमेंट करके। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, आपको कौन सा पाइथन लेना है। तो पाइथन का वर्जन यहाँ पे देखिए 3.8 वर्जन है, यहाँ पे आप चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद किसके लिए बना रहे हैं आप, आर का है तो आर जैसे पाइथन के लिए बना रहे हैं, आपको आर के लिए बनाना है तो आप इस हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है तो क्रिएट कर देंगे हम। देखिए अभी ये क्रिएट हो जाएगा, आपको एक वर्चुअल एनवायरनमेंट नया क्रिएट हो जाएगा। लेकिन यहाँ से पाइथन का वर्जन आप नहीं चेंज कर पाएंगे, उसके लिए आपको एनाकोंडा का प्रॉम्प्ट में ही जाना पड़ेगा। बट यहाँ से आप एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। देखिए अभी ये क्रिएट हो जाएगा, क्रिएटिंग एनवायरनमेंट लिख के आ रहे हैं यहाँ पे। ये कहाँ भी है देखो, उसका पाथ भी दिखा रहा है सी ड्राइव में, माई वर्चुअल एनवायरनमेंट एनाकोंडा 3 में एनवायरनमेंट का जो फोल्डर होता है वहाँ पे माई एनवायरनमेंट करके एक आपका नया एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। आप वहाँ पे जाके अभी देख भी सकते हैं, देखिए अभी ये क्रिएट हो गया है। देखिए आप जब यहाँ पे इंस्टॉल, आपने जब ये एनवायरनमेंट क्रिएट किया तो यहाँ पे डिफॉल्ट पैकेजेस मैंने बताया था ना कि ये इतने डिफॉल्ट पैकेज जो कि पाइथन का स्टैंडर्ड पैकेज है, इसमें आपको पहले से ही मिलेंगे। उसके बाद देखिए आपको अगर यहाँ पे देखिए माय एनवायरनमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। आप इस एनवायरनमेंट में देखिए आप ओपन विद पाइथन का भी ऑप्शन रहा तो यहाँ पे आप कोड वगैरह लिख सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं, मतलब ये पाइथन सेल खुल के आ गया आपको यहाँ पे। और यहाँ से देखिए आप टर्मिनल भी ओपन कर सकते हैं, तो यहाँ से भी आप फाइल को खोल सकते हैं, राइट? सो अभी देखिए अभी आप इस एनवायरनमेंट में हैं, यहाँ से आप देखिए कोई भी पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मान लो हमें numpy इंस्टॉल करना है हमारे numpy, तो देखिए ये numpy आ गया ना, ये numpy आपको यहाँ पे देखिए numpy यहाँ पे मान लो इसको इंस्टॉल करना, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए array processing for numbers string। सो आप यहाँ से देखिए अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, अप्लाई करेंगे तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। देखिए ये इंस्टॉल हो जाएगा, तो आप यहाँ से जाके पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी हम अगर होम पे जाएं तो देखिए यहाँ पे माय एनवायरनमेंट में हम अभी हैं। देखिए यहाँ पे देखिए बेस एनवायरनमेंट जो हमने बनाया था ये हमारा माय एनवायरनमेंट करके था, तो यहाँ पे जाके आप यहाँ से पाइथन के IDEs हैं, फॉर एग्जाम्पल जुपिटर लैब, जुपिटर नोटबुक, ये सब भी आप इस एनवायरनमेंट में ओपन कर सकते हैं। तो ये तो हमने एनाकोंडा नेविगेटर से
कैसे हम पैकेज मतलब अब कैसे हम एक एनवायरनमेंट बनाएंगे वर्चुअल एनवायरनमेंट वो देखा। अभी हम क्या देखेंगे कि हम वर्चुअल एनवायरनमेंट एनाकोंडा प्रॉम्प्ट से कैसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम एनाकोंडा प्रॉम्प्ट से हम वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसको भी हम आपको बताएंगे। तो अभी हम यहाँ सर्च करेंगे एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, तो ये अभी ओपन होके आएगा। अभी अगर हम यहाँ देखें तो अगर हम सर्च करें कोंडा इन्फो, ये देखिए कोंडा इन्फो अगर डालेंगे तो ये देखिए कोंडा की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। कोंडा का लोकेशन लोकेशन क्या है, उसके बाद देखिए एक्टिव एनवायरनमेंट कौन सा है, तो यहाँ देखो बेस लिखा हुआ है। अभी हमने कोई वर्चुअल एनवायरनमेंट में अभी हम नहीं है, अभी हम केवल बेस एनवायरनमेंट में ही है। यहाँ कोंडा का वर्जन क्या है सब कुछ है, पाइथन का वर्जन क्या है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी अगर हम देखें कि कोंडा में कितने एनवायरनमेंट हैं, तो कोंडा इन्फो में जाके एक फ्लैग देंगे एनवायरनमेंट का ई, तो फ्लैग देंगे तो जितने एनवायरनमेंट हैं वहाँ पे अभी वर्चुअल एनवायरनमेंट वो आपको मिल जाएगा। देखिए अभी कोंडा में अभी मैंने इससे पहले बनाया था ना माई एनवायरनमेंट, और देखिए ये इतने एनवायरनमेंट क्रिएटेड हैं कोंडा में, राइट। तो अभी हम इसको क्लियर करते हैं और हम आपको बताते हैं कि कोंडा में आप वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम आपको यहाँ पे दो एनवायरनमेंट क्रिएट करके बताऊंगा मैं आपको। एक का एनवायरनमेंट का नाम होगा हमारा माई एनवायरनमेंट ए, और एक होगा माई एनवायरनमेंट बी। यहाँ पे मैं पाइथन का वर्जन लूंगा 3.6 और यहाँ पे पाइथन का वर्जन लूंगा 3.7, राइट। तो अभी हम ये दो एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट करने का हमारा जो कमांड ये है, देखिए क्रिएट करने का कमांड क्या है, कोंडा क्रिएट फिर फ्लैग एन नेम, या अगर आपको एक फ्लैग देना है एक एक डैश के साथ एन भी दे सकते हैं, या डबल डैश के साथ नेम, दोनों यहाँ पे सेम है, मतलब ये भी आप दे सकते हैं, राइट। तो कोंडा क्रिएट डैश एन माई एनवायरनमेंट, जो कि हमारे एनवायरनमेंट का जो नाम है, उसके बाद पाइथन का आप कौन सा वर्जन देना चाहते हैं वो देना है आपको, उसके बाद कुछ पैकेजेज अगर आपको वहाँ पे इंस्टॉल करना है तो साथ में वो भी दे सकते हैं, या आप उनमें बाद में भी पाइथन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे तो क्या है, कोंडा क्रिएट राइट डैश डैश नेम, नेम क्या है हमारा, मान लो मैं देना है माई एनवायरनमेंट ए, और हम पाइथन का वर्जन देंगे क्या, पाइथन बराबर 3.6 राइट 3.6, मान लो मुझे इसका फोर्थ वर्जन देना है 3.4.6.4। तो ये अभी इसको हम एंटर करेंगे, देखिए अभी ये कलेक्टिंग पैकेजेस, देखिए ये एस कर देंगे हम, देखिए अभी ये एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। देखिए अब ये जो पैकेजेस पाइथन में डिफॉल्ट होते हैं उनको ये इंस्टॉल कर देगा। देखिए जितने पैकेजेस जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो स्टैंडर्ड पैकेजेस कुछ पहले से उसमें डिफॉल्ट होते हैं, वो अगर डिफॉल्ट को भी हटाना है तो अभी देखिए यहाँ पे डिफॉल्ट को अगर हटाना तो नो डिफॉल्ट पैकेज करके एक फ्लैग देना होगा आपको, तो आपके एनवायरनमेंट में कोई डिफॉल्ट पैकेज नहीं आएगा, राइट। देखिए ये एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है, राइट। अभी अगर हम सर्च करेंगे कोंडा इन्फो ई, ये देखिए एक एनवायरनमेंट आपका क्या क्रिएट हो गया, माई एनवायरनमेंट ए, ठीक है। अभी अगर आपको इस एनवायरनमेंट में जाना है तो क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, क्या करेंगे हम एक्टिवेट करेंगे, तो कोंडा एक्टिवेट, हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम क्या था, माई एनवायरनमेंट ए, राइट। ये देखिए अभी हम कहाँ पे देखिए बेस था, अभी हम किस एनवायरनमेंट में है, ए में। अगर आप यहाँ पे देखिए अगर आप टाइप करें पाइथन, देखिए पाइथन हमने डाला था 3.6.4, देखिए 3.6.4 यहाँ पे वर्जन आपको दिख रहा है, राइट। तो ये
अभी हमने 3.6 इंस्टॉल कर लिया, राइट। अभी अगर हम इसको एग्जिट करते हैं, राइट, तो अभी हम यहाँ पे ये, अभी आप यहाँ पे कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई पैकेज। अगर आप देखिए यहाँ से आप इस एनवायरमेंट में कोई भी पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। क्या करना होगा आपको, कोंडा इंस्टॉल और पैकेज का नाम, तो वो आपके इस एनवायरमेंट में ए में इंस्टॉल हो जाएगा, राइट। तो अभी क्या करेंगे, हम इसको बैक करेंगे, तो इस एनवायरमेंट को डीएक्टिवेट करने के लिए क्या करना होगा आपको, एक कमांड देना होगा, कोंडा डीएक्टिवेट। तो ये क्या होगा, अभी हम माय एनवायरमेंट से कहां आ गए, बेस एनवायरमेंट में, अभी हम हमारा वर्चुअल एनवायरमेंट से बाहर आ गए। अभी हम क्या करेंगे, एक और एनवायरमेंट क्रिएट करेंगे, जहां पे क्या करेंगे हम, ये नो डिफॉल्ट पैकेज, मतलब अभी हम कोई भी डिफॉल्ट पैकेजेस जो हैं उनको हम यहाँ पे नहीं रखेंगे इस एनवायरमेंट में, तो हमको नहीं चाहिए, तो हम ये वाला फ्लैग दे देंगे, क्या कोंडा क्रिएट एक एनवायरमेंट में क्रिएट करेगा, बट क्या होगा, नो फ्लैग, मतलब नो डिफॉल्ट पैकेज का हम फ्लैग दे देंगे, तो ये जितने डिफॉल्ट पैकेज आते हैं वो आपके एनवायरमेंट में नहीं आएंगे। फिर एनवायरमेंट का नाम, उसके बाद पाइथन का कौन सा वर्जन आपको देना है, राइट। चलिए अभी हम क्रिएट करते हैं एक नया एनवायरमेंट, तो कोंडा क्रिएट फ्लैग नो डिफॉल्ट पैकेज पीएस, पैकेजेस, फिर एनवायरमेंट का नाम माय एनवायरमेंट बी, राइट, और पाइथन का वर्जन क्या है, 3.7, राइट, 3.7, ओके, लेट्स ट्राई, ओके, यस, ये पाइथन इंस्टॉल हो रहा है 3.7.9। ओके, पिप इंस्टॉल हो रहा है, पिप क्या है, पाइथन का जो अपना इनका पैकेज मैनेजर टूल है ये, ओके। अभी देखिए ये एनवायरमेंट क्रिएट हो गया, तो अभी पैकेज हमारा वर्चुअल एनवायरमेंट क्रिएट हो गया है। अगर अभी हम देखें तो कोंडा एनवायरमेंट लिस्ट अगर देखें, तो देखिए यहाँ पे एक नया एनवायरमेंट बी, ये माय एनवायरमेंट बी क्रिएट हो गया है। अभी क्या करेंगे, हम इसको एक्टिवेट करेंगे, तो कोंडा एक्टिवेट और पैकेज वर्चुअल एनवायरमेंट का नाम, तो माय एन बी, देखिए अभी हम माय एनवायरमेंट बी में आ चुके हैं। तो ये देखिए अगर अभी हम देखें तो कोंडा लिस्ट में अगर देखें, हम देखिए ये इतने सारे डिपेंडेंसीज में हैं पहले से, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये पिप है, सेटअप टूल्स, तो ये आपको इंस्टॉल करना अभी आपको आ गया, राइट। पैकेज अगर आपको कोई इंस्टॉल करना है इसमें, तो क्या करेंगे आप, कोंडा इंस्टॉल और पैकेज का नाम, मान लो पैकेज वन पैकेज टू, जितने भी आपको इंस्टॉल करने हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक सिंपल इंस्टॉल करें, कोंडा नम इंस्टॉल नमपाई, ये देखिए ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, राइट। ये देखिए अब ये नमपाई आप में इंस्टॉल हो रहा है। तो इसी तरह से आप इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं और उसमें पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये numpy भी इंस्टॉल हो रहा है।
टेक लिटिल टाइम तो ये अभी ये इंस्टॉल हो गया है। तो इसी तरह से आप और भी सारे पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कोंडा तो अभी हम डीएक्टिवेट करेंगे इसको, तो कोंडा डीएक्टिवेट। तो अभी हम बेस में आ गए। अगर आपको देखना है कि इंफॉर्मेशन क्या है, कोंडा एंड लिस्ट, ये आपको क्या शो करेगा कि कौन कौन से एनवायरनमेंट हैं। अगर आपको कोई एनवायरनमेंट इसमें से डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो क्या कमांड होगा? तो डिलीट करने के लिए क्या कमांड होगा? कोंडा एनवायरनमेंट एनबी, और रिमूव करना है हमें, और फिर एनवायरनमेंट का नाम, मान लो हमें ये बी वाला या ए वाला कोई रिमूव करना है, तो माई एनवायरनमेंट ए। देखिए अभी ये क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। देखिए रिमूविंग ऑल पैकेजेस इन एनवायरनमेंट दिस, इस वाले एनवायरनमेंट में जो कि एनवायरनमेंट ए का पाथ है, उसमें खाली पैकेज क्या होगा, सारे पैकेज रिमूव हो जाएगा। अगर आप देखें अभी कोंडा एनवलिस्ट, देखिए अभी यहाँ से जो हमारा एनवायरनमेंट ए था वो यहाँ से गायब हो चुका है, मतलब ये रिमूव हो चुका है। ओके सो अभी इस वीडियो में आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट के बारे में सीखा। थैंक्स।